दुनिया में आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं लेकिन रेंज आपको ज्यादा चाहिए, घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप 5 सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बताने वाले हैं। पांचवें नंबर से शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर है विडा V1 Pro। ये हीरो मोटा को आपकी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर है इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पर हमें 6 किलोवाट का PMSM मोटर मिलता है जो कि 0 टू 40 की स्पीड सिर्फ 3.2 सेकंड में अचीव कर सकता है। 80 किलोमीटर इस स्कूटर की टॉप स्पीड है। यहाँ पर हमें 3.94 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। यहाँ पर एक्चुअली हमें दो बैटरीज मिलती हैं, ये दोनों बैटरीज रिमूवेबल है और इन दोनों बैटरीज की मदद से ये स्कूटर अप टू 165 किलोमीटर का रेंज देती है। ये बैटरीज करीब 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं। वहीं फास्ट चार्जिंग के साथ इन बैटरीज को 1.2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चार्ज किया जा सकता है। हमें यहाँ पर एक स्मार्ट डिस्प्ले मिलता है जिसमें आज के ज़माने के सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रिमोट चार्जिंग स्टेटस, 10x10 नेविगेशन, GPS, जियो फेंसिंग एक्सेट्रा। इस स्कूटर में क्रूज कंट्रोल का फीचर भी है। वारंटी की बात करें तो इस स्कूटर में हमें 5 ईयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है कंप्लीट व्हीकल में। वहीं इसकी बैटरी में 3 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 1.59 लाख रुपीज़ विडा V1 Pro की प्राइसिंग है। चौथे नंबर पर है ओडिसे हॉक प्लस। कम प्राइस पे इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो जिसकी प्राइसिंग भी अच्छी हो, लुक भी अच्छे हो, फीचर्स भी अच्छे हो, प्लस उसमें रेंज भी अच्छी खासी हो, तो ओडिसे हॉक प्लस आपके लिए ही है। लुक के मामले में ये स्कूटर काफ़ी प्रैक्टिकल दिखती है। यहाँ पर हमें 1800 वाट का मोटर मिलता है जो कि 1900 वाट की पीक पावर अचीव कर सकता है। 44 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क है, यानी कि पिकअप भी यहाँ पर अच्छा खासा है। 45 किलोमीटर ओडिसे हॉक प्लस की टॉप स्पीड है। यहाँ पर हमें 2.8 किलो वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि रिमूवेबल बैटरी है, यानी कि आप इसे निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी सिंगल चार्ज में अप टू 170 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है। वैसे तो इस स्कूटर में हमें नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले मिलता है लेकिन इस स्कूटर में क्रूज कंट्रोल का फीचर भी है जो कि रियल लाइफ में काफ़ी यूजफुल है। इस स्कूटर में म्यूजिक सिस्टम का फीचर भी है जिससे आप चाहें तो FM रेडियो या मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए गाने भी बजा सकते हैं, बिल्कुल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के जैसे। मांगे यहाँ पर एंटीथी प्रोग्राम एंड लॉक जैसे बेसिक स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं। ओडिसे हॉक प्लस की प्राइसिंग है 1.17 लाख रुपीज़ और कंपनी इस स्कूटर में 1 ईयर की और इसकी बैटरी में 3 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड करती है। तीसरे नंबर पर है ओला S1 Pro। भाई अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, लुक्स चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए और एडवांस फीचर्स भी चाहिए तो ओला S1 Pro आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हमें एक 8500 वॉट का PMSM मोटर मिलता है जो कि 0 टू 40 की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड में अचीव कर सकता है। 115 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। हमें यहाँ पर 3.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि फिक्स्ड बैटरी है, यानी कि आप इसे निकाल नहीं सकते। ये बैटरी सिंगल चार्ज में अप टू 181 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है। इस बैटरी को 6 आवर्स एंड 30 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। वहीं अगर फास्ट चार्जिंग है तो इसे 18 मिनट में ही 75 किलोमीटर चलने जितना चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पर हमें एक स्मार्ट डिस्प्ले मिलता है और इस डिस्प्ले में आप वो ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हो जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हो। इवन आप इसमें गाने भी बजा सकते हो। इसके अलावा कुछ अदर स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें हील होल्ड और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। ओला कंपनी इस कंप्लीट स्कूटर में 3 ईयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड करती है और ओला की ये स्कूटर काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये लगभग 12 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। 1,40,000 रुपीज़ ओला S1 Pro की कीमत है। दूसरे नंबर पर है iVoomy S1। अब ये कंपनी इंडिया में अचानक से निकल कर आई है लेकिन अपनी हाई रेंज के कारण ये इंडिया में बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इनकी iVoomy S1 स्कूटर में हमें 2000 वॉट का मोटर मिलता है, 55 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। ये स्कूटर मल्टीपल रेंज वेरिएंट में आती है। ये इसके 3 वेरिएंट्स में है जिसमें जो नंबर्स हैं 80, 200 और 240 वो इन तीनों वेरिएंट्स की रेंज को इंडिकेट करते हैं। बेस वेरिएंट में हमें 1.5 किलो वाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और यहाँ पर हमें 80 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं सेकेंड वेरिएंट में हमें थोड़ा बड़ा बैटरी पैक मिलता है और यहाँ पर हमें 200 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट में हमें करीब 4.2 किलो वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है और यहाँ पर हमें 240 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अब इसके हाई एंड वेरिएंट में हमें मोटर कैपेसिटी भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है जो कि है 2500 वाट। अच्छी बात यह है कि इसके तीनों वेरिएंट में हमें स्वैपेबल बैटरीज देखने को मिलती हैं। इस स्कूटर की जो बैटरी है वो 4 घंटे से लेके 7-8 घंटे तक फुल चार्ज होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल परचेस कर रहे हैं। बाकी हाँ, यूज़ करने के मामले में ये काफ़ी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यहाँ पर हमें कीलेस एंट्री, एंटी थीप अलाइनमेंट लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं।
इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 70,000 रुपीज़ और वहीं इसके टॉप मॉडल के लिए प्राइसिंग है 1.21 लाख रुपीज़। और अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्कूटर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और सबसे बेहतरीन रेंज प्रोवाइड करती है। इसकी बैटरी में कंपनी 3 साल की वारंटी देती है। सबसे पहले नंबर पर है सिंपल वन। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, सिंपल वन ना ही सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है। रेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें 8500 वाट का PMSM मोटर मिलता है। 0-40 की स्पीड ये स्कूटर 2.95 सेकंड में अचीव कर सकती है, यानी कि ये इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। 105 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इसके बेस वेरियंट में हमें 4.8 किलो वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। एक्चुअली यहाँ पर 2 बैटरीज मिलती हैं, जो एक बैटरी है वो रिमूवेबल है, वहीं दूसरी बैटरी फिक्स्ड है। बेस वेरिएंट में हमें 236 किलोमीटर की रेंज मिलती है। 4 से 5 घंटे में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। वहीं फास्ट चार्जिंग के साथ इस स्कूटर को 2.5 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चार्ज किया जा सकता है। वहीं इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट भी आने वाला है, जहां पर हमें 6.4 किलो वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी और वहां पर हमें 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज मिलने वाली है। यहाँ पर भी हमें ओला S1 Pro के जैसा स्मार्ट डिस्प्ले मिलता है। ये काफ़ी हद तक कस्टमाइजेबल है और इसमें भी आप वो ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हो जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में करते हो। 3 साल सिंपल वन स्कूटर में हमें वारंटी मिलती है। इसके बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है 1,10,000 रुपीज़। वहीं इसके हायर रेंज वाले वेरिएंट की कीमत है 1.45 लाख रुपीज़। अगर मैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का हायर रेंज वाला वेरिएंट लेता हूँ तो मुझे अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को महीने में सिर्फ एक बार चार्ज करना होगा। बाकी आप मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे अच्छी लगी। और अपनी यूसेज के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में कितनी रेंज होनी चाहिए। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।